बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर के महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता नमो प्रदर्शनी एक जिला एक उत्पाद समेत अपना देश अपनी माटी कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहे हैं। इस मौके पर भाजी युवाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर सेवा पखवाड़े में प्रतिभाग किया। वहीं पूरे राज्य में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस से सेवा पखवाड़ा मना रही है और हमारे विभिन्न विधानसभाओं में युवा मोर्चा रक्तदान शिविर लगा रहा है। अभी कल हमारा शिविर लालकुआं था, आज हमारा हल्द्वानी है और इसी में कल हमारा रामनगर है और परसों कालडूंगी विधानसभा में है। तो हम सब युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं कि वो रक्तदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर समाज की सेवा के लिए तत्पर रहें। इसी भावना के साथ युवा मोर्चा हर जगह ये कैंप लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था, तब से लेकर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी परिवार और पूरे देश के अंदर हमने सेवा के कार्य कर रहे हैं और सेवा पखवाड़े के रूप पर हम अपने जितने अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं, ऐसे स्वच्छता के कार्यक्रम कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड इत्यादि के हम कैंप लगा रहे हैं और लगातार 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी के जन्मदिन तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह संकल्प लिया गया कि वे सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का पूरा कार्यक्रम चलाएगी, जिसके तहत समाज के क्षेत्र में विभिन्न सेवा के कार्य किए जाएंगे। इसी के तहत रक्तदान शिविर पूरे नैनीताल जिले में प्रत्येक विधानसभा वार लगाए जा रहे हैं। कल लालकुआं विधानसभा में कार्यक्रम था रक्तदान का और आज अभी हल्द्वानी विधानसभा में चलाया जा रहा है। इसी के साथ साथ सभी नैनीताल जिले की विधानसभा